बुलेटिन का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कुछ बात करते हैं। बुजदिल दहशतगर्द ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। खुद कुछ धमाके में 27 अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर पहले किया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन, वक्त 8:18। खुदकुश हमलावर ने शहरियों और कानून नाफिज़ करने वाले कारों को निशाना बनाया। पेशावर रवानगी के लिए जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। सैकड़ों अफराद टिकट घर के करीब मौजूद थे कि धमाका हो गया। सर मेरे अमित छोटा भाई था और मेरा नाना भी था जी, उन्हें भी चोट आई है बहुत ज्यादा, बहुत नुकसान हुआ, शहीद हुए लोगों को। सर स्टेशन पे बस ब्लास्ट हो गया, अफरा तफरी हो गई, हमने तो खुद को लोगों को कैसे बचा दे, वो जख्मियों को उठाने पर एम्बुलेंस आ गई। धमाके के बाद कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत के मुताबिक अहलकारों और अवाम को निशाना बनाया गया। सुसाइड अटैक था, ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रेन ने बताया कि कोई मखसूस थ्रेट नहीं था, स्टेशन पर सिक्योरिटी रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। शहर में जहाँ जहाँ पर भी एक जनरल सा थ्रेट जरूर मौजूद था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद नहीं था और उस पर जितनी हद तक कोशिश की जा सकती थी सिक्योरिटी को बीफअप किया जाए। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी सिक्योरिटी रेलवे पुलिस के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सूबाई पुलिस के पास नहीं होती। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है कि फुटेजेस की मदद से तहकीकात की जा रही है, तहकीकात पर कोताही का इल्म हो सकेगा।